हेलो स्टूडेंट, मैं तुला राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे और इंटीग्रेशन में अब तक हम लोग 36 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 37 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 7L, एक्सरसाइज 7L कर रहे थे। और 7L में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम 15 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 15, इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 + 5 cos x, ये लिखा है स्टूडेंट। ठीक है क्वेश्चन। तो देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो पिछले लेक्चर में हमने किए थे। ठीक है, तो क्या करते थे इस टाइप के क्वेश्चनों में, सबसे पहले हम देखो फार्मूला रखेंगे। ठीक, cos x का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, टेन के पदों में, तो ये जाएगा 4 + 5, इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 - tan² x / 2 अपॉन में 1 + tan² x / 2, ये आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो। देखो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, डी एक्स अपॉन ये आ जाएगा 4 1 + tan² x / 2 प्लस के 5 1 - tan² x / 2 और अपॉन में आएगा 1 + tan² x / 2। अब इसको देखो ऊपर ले जाओ। ठीक है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 1 + tan² x / 2 dx अपॉन में। ठीक है, अपॉन में जगह तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 + 4 tan² x / 2 प्लस के 5 - tan² x / 2। ठीक है इसमें देखो ये आ गया। अब क्या करना, इसको ऊपर लिख देते हैं sec² x / 2 और dx। ठीक है, नीचे लिखेंगे, देखो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आएगा ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा 10² x / 2, ये आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करना, देखो इसको और थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं sec² x / 2 dx अपॉन में आएगा, इसको लिख देते 3 का² - 10x / 2 का होल स्क्वायर लिख देते। ठीक है, अब यहां से देखो हम टी मान लेंगे इसको, तो माना 10x / 2 इज टू टी मान लेंगे। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर लो sec² x / 2 और फिर x / 2 का और करेंगे 1y² इज टू हो जाएगा dt, तो sec² x / 2 dt अपॉन dx आएगा स्टूडेंट। ठीक है, इधर आ जाएगा dx इक्वल टू हो जाएगा 2dt हो जाएगा। तो क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 2dt अपॉन में आएगा नीचे, नीचे आएगा 3 का² - t² आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, देख लेते पीछे, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना टी, और ये तो 3 का² था, ये आ गया। ठीक है, 2 को हम बाहर कर लेंगे, और ये जगह देखो डी टी अपॉन 3 का² - t². अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डी एक्स अपॉन a² - x², तो 1 upon 2a log a + x upon a - x + c। तो यूज कर लेते फॉर्मूला, देखो 2 into ठीक है 1 upon a, 1 upon 2a होता है। ठीक है, 2 into a, a की वैल्यू कितनी है 3, और log 3 + t अपॉन में 3 - t + c, तो 2 से 2 काट देते। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 log 3 + t, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये आएगा 3 + t, ये नीचे आएगा 3 - t + c, तो 1/3 log 3 + t की वैल्यू रख देते हैं। t कितना था हमारे पास, 10x / 2 अपॉन में 3 - tan² x / 2 + c, तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप, आंसर चेक कर लेना। ठीक है, मैच कर रहा होगा वैसे हमारे हिसाब से। इसके बाद देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 3 + 4 sin x, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फिर से, डी एक्स अपॉन 3 + 4 sin x का फॉर्मूला लगा देते हैं टेन के पदों में, तो 2 tan x / 2 अपॉन में 1 + tan² x / 2,
ये आएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, देखो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास डी टी एफ ऑन, पीछे देख लेते हैं, थ्री इधर आएगा, ठीक है, थ्री वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस, और ये जाएगा, ठीक है, एट टेन एक्स बाई टू आएगा, एट टेन एक्स बाई टू आ जाएगा। और टोटल अपॉन में आएगा, देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ पे टोटल अपॉन में आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। तो इसको देखो ऊपर ले जाना, ठीक है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा हमारे पास वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू, और यहाँ पे स्टूडेंट देखो, सॉरी यहाँ पे डी एक्स आएगा, ठीक है, डी टी नहीं आएगा, यहाँ पे डी एक्स आएगा, ऊपर यहाँ पे डी एक्स आएगा, ठीक है, ये भी डी एक्स आएगा, और नीचे आएगा स्टूडेंट देखो, नीचे थ्री का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, थ्री प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस की एट टेन एक्स वाई टू, ये आ जाएगा। अब क्या करना स्टूडेंट देखो, ऊपर जो लिखा, ठीक है, ये हो जाएगा कन्वर्ट, किसमें हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स अपॉन में आएगा नीचे थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एट टेन एक्स बाई टू प्लस थ्री, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना, देखो यहाँ पे हम मान लेंगे, ठीक है, माना टेन एक्स बाई टू इजक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू इजक्वल टू जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसको इधर लाओ, ठीक है, देखो तो ये जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू टू डी टी आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन को देखो चेंज कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा टू डी टी अपॉन में नीचे आ जाएगा थ्री टी स्क्वायर प्लस के एट टी प्लस के थ्री, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना, टू को बाहर कर लेते हैं, डी टी अपॉन टी नीचे आ जाएगा थ्री नीचे, ठीक है स्टूडेंट, देखो इसको ऐसे लिख लेते, ठीक है। अब क्या करना स्टूडेंट, देखो इसको हमें पूर्ण बार बनाना होगा, ठीक है, ये अब एक टाइप बन गई, ठीक है, इसको हम पूर्ण बार बनाएंगे। तो पूर्ण बार बनाने के लिए टी स्क्वायर का गुणांक वन होनी चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले थ्री को हम बाहर ले लेंगे, तो डी टी अपॉन ये जाएगा टी स्क्वायर प्लस एट बाई थ्री टी प्लस वन, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना, देखो अब यहाँ पे देखो एट बाई थ्री टी प्लस, अब देखो टी स्क्वायर का गुणांक एक बन गया, ठीक है, अब क्या करना, टी के गुणांक का आधा करो, ठीक है, टी के गुणांक का आधा मतलब आठ बटे तीन का आधा करेंगे हम लोग, देखो आठ बटे तीन का आधा करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आठ बटे दो गुणे तीन आ जाएगा, इसको काट देना, ऊपर आ जाएगा चार, तो ये आ जाएगा चार बटे तीन आ जाएगा। तो यहाँ पे चार बटे तीन का क्या करना है, स्क्वायर करके हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, और घटा भी देंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है, चार बटे तीन आया था, तो अभी देखो इसको, तो चार बटे तीन का स्क्वायर करके हम लोग जोड़ देते, ठीक है, और घटा देते, जोड़ना पहले स्टूडेंट, याद रखना, हमने बताया था फॉर्मूला तभी बनता है आपका, तो चार बटे तीन का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का वन और था यहाँ पे। अब ये देखो, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख देते, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी टी अपॉन टी, नीचे आ जाएगा टी प्लस, ये आ जाएगा टी टी प्लस फोर बाई थ्री, फोर बाई थ्री का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे स्टार्टिंग और लिखा था, सॉरी यहाँ पे स्टार्टिंग में था हमारे पास टू बाई थ्री होता ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ पे आएगा देखो, अब स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा देखो, ये आएगा सोलह बट्टे नौ आ जाएगा, सोलह बट्टे नौ माइनस क्या आएगा, सोलह बट्टे नौ प्लस वन आ जाएगा, इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो जाएगा टू बाई थ्री डी टी अपॉन टी प्लस फोर बाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस, ये जाएगा नौ इधर लाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा सात, ठीक है, वो भी माइनस का सात बटे नौ। अब क्या करना है, देखो टू बाई थ्री और डी टी अपॉन ये जाएगा टी प्लस फोर बाई थ्री का होल स्क्वायर, फोर बाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट सात बटे तीन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट, ठीक है, देखो ये वाला फॉर्मूला लगाना, डी एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेते, देखो कितना जाएगा 2/3 × ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देते, देखो 1/2a, ए की वैल्यू कितनी है √7/3 log, ये जगह x की वैल्यू रख देते। ठीक है, देखो x कितना है हमारे पास t प्लस 4/3, ठीक है, माइनस के ये जगह √7/3 अपॉन में आएगा t प्लस 4/3 और प्लस रूट में 7/3 प्लस c, तो ये दो कैंसिल कर दो 3 से 3, ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये बचा हमारे पास 1/√7 बचा log, ठीक है, ये एलसीएम ले लो 3, तो 3t प्लस क्या आ जाएगा 4 माइनस के √7 अपॉन में आएगा नीचे 3t प्लस के 4 प्लस के √7 प्लस c, ये आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब t की वैल्यू वापस कर देते हैं, तो 1/√7 log, ठीक है, 3, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे tan x/2 प्लस 4 माइनस के √7 अपॉन में आएगा, तो वो 3 tan x/2 प्लस 4 प्लस के √7 और प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। चेक लेना आंसर, ठीक है, मैच कर रहा होगा आपका। इसके बाद देखो क्वेश्चन, देखो अब अगली टाइप बताते हैं आपको, ठीक है, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर देखो 3 है इंटीग्रेशन, ठीक है, dx अपॉन a sin x प्लस के b cos x। इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन के क्वेश्चन हम लोग सेकंड टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल टाइप और बनाएगी, ठीक है, देखो तो इसको देखो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पे डी एक्स अपॉन, ठीक है, अंडर रूट में गुणा करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे और ए साइन एक्स प्लस के बी कॉस एक्स अपॉन में, जितना यहाँ गुणा किया, ठीक है, उतने ही हम यहाँ पे भाग कर देंगे, ये याद रखना, ठीक है, ये इसका प्रोसेस होता है, ठीक है, जब भी इस टाइप के सवाल हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा भी कर देंगे और भाग कर देंगे। अब ये वाला बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/ अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर कर लेंगे और ये जाएगा डी एक्स अपॉन, नीचे आएगा देखो ए साइन एक्स प्लस के बी कॉस एक्स और अपॉन में आएगा स्टूडेंट देखो अंडर रूट में, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना, देखो यहाँ पर अब यहाँ पे इसको अलग अलग डिवाइड कर देती, तो 1/ आएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटीग्रेशन, ठीक है, डी एक्स अपॉन, ये जगह डिवाइड कर दो, देखो ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, और बी कॉस एक्स अपॉन में आएगा देखो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पे हम लोग मानेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, माना ए अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग मान लेंगे कॉस, सॉरी कॉस नहीं माना, साइन अल्फा मान लो, साइन अल्फा, ठीक है, इसको हम लोग साइन अल्फा मान ले रहे। अब देखो इसका हम इसे ट्रायंगल बना लेते, ठीक है, यहाँ पे तो इसका जब ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, तो ये तो 90 होगा, तो ये होगा हमारे पास अल्फा, तो ये होगा ए और ये होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये आधार कितना होगा, बी होगा हमारा, ठीक है, यहाँ से तो अब क्या करना, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को, ठीक है, तो 1/ अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, ठीक है, यहाँ पे हम रख देते, ठीक है, क्या रख देते, हमने क्या माना था साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस, ये जाएगा देखो बी अपॉन अंडर रूट में, ठीक है, ये लिखा है। अब देखो ये किसका मान हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, देखो यहाँ से, ठीक है, इस देखो इस टेबल से, सॉरी इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से, ठीक, अगर हम यहाँ पे कॉस अल्फा निकालते कॉस अल्फा, ठीक है, तो कितना आएगा देखो, तो बी अपॉन आएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस अल्फा
कॉस अल्फा, और इनटू में आएगा देखो यहीं पे स्टूडेंट देखो इनटू में कॉस एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है अब देखो इसको हम थोड़ा सही से लिखते हैं, ठीक है अगले पेज पे लिखते हैं इसको सही से। तो ये आएगा हमारे पास वन अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन। ठीक है अब देखो स्टूडेंट देखो क्या करना है, ठीक है सबसे पहले ये वाले टर्म पहले लिखो कॉस वाले, ठीक है कॉस वाले हम लोग पहले लिखेंगे और कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स। अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे और थोड़ा सही से लिखना है इसको वन अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस जगह डी एक्स अपॉन। अब इसको हम लिखेंगे देखो कॉस एक्स पहले लिखना और कॉस अल्फा बाद में लिखेंगे, ठीक है ऐसे यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स और साइन अल्फा ये लिख देंगे। ठीक है तो ये जगह देखो वन अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन। अब ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट देखो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो कॉस एक्स माइनस अल्फा फॉर्मूला बन गया। अब क्या करना है देखो इसको ऊपर लिख देते हैं तो वन अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है इसको ऊपर लिखेंगे तो ये जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा आ जाएगा और डी एक्स। अब इसके एडिशन कर लो, ठीक है सॉरी सेक स्क्वायर नहीं आएगा सेक आएगा, ठीक है यहाँ पे तो इसके देखो फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है तो इसका एक तो देखो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला लिख देते, ठीक है सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है एक तो होता है लॉग टेन एक्स बाई टू, सॉरी लॉग टेन एक्स बाई टू नहीं होता लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ठीक है एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है और एक फॉर्मूला होता है ठीक है प्लस सी और करके, ठीक है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो आप यहाँ पे, ठीक है तो हम देखो पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक ज़्यादातर आंसर जो होता है ठीक है वो पहले वाले फॉर्मूले पे लिखा होता है किताब में जो आंसर आता है, ठीक है वो पहले वाले फॉर्मूले से आता है वन अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये जगह लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस, ठीक है अब देखो इसका आधा करना, ठीक है एक्स बाई टू तो यहाँ पे आ जाएगा देखो एक्स माइनस अल्फा अपॉन टू मॉड वन का देते, ठीक है और प्लस सी, ठीक है तो ये आंसर आ गया। ठीक है चाहे ये वाला फॉर्मूला आप लगाने, ठीक है यहाँ पर चाहे ये दूसरा वाला, ठीक है ये लगा देते हैं यहाँ पे चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा लें, ठीक है कोई भी फॉर्मूला लगा लें, ठीक है और इसमें देखो लिखना पड़ेगा, ठीक है वेयर जहाँ पर, ठीक है यहाँ पर मैं आंसर हटा के, ठीक है इसको थोड़ा ऐसे लिख देते, ठीक है वैसे तो ये आंसर आ गया, ठीक है आंसर इसको इधर लिख देते और यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेयर, यहाँ से देखो टेबल से हम लोग वैल्यू निकाल लेते, ठीक है वैल्यू निकालेंगे टेन अल्फा, ठीक है देखो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ठीक है यहाँ से हम लोग टेन और निकाल लेते, ठीक है यहाँ से टेन की वैल्यू होगी इसमें टेन की वैल्यू कितनी होगी ए अपॉन बी होगी, ठीक है टेन अल्फा की तो वेयर लिख देंगे हम टेन अल्फा इजकल टू ए बाई बी लिख देंगे ए बाई बी, ठीक है तो यहाँ से अल्फा इजकल टू हो जाएगा स्टूडेंट देखो टेन इनवर्स ए बाई बी हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे ए बाई बी लिखा, ठीक है यहाँ पे याद रखना। तो ये टाइप है स्टूडेंट, ठीक है तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे एक्सरसाइज में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रखा है, ठीक है तो हम वैसे आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है देखो इस पर आधारित क्वेश्चन एक तो देखो स्टूडेंट, ठीक है क्वेश्चन देखो हम बताते, ठीक है एक एग्जाम्पल बताते थे मैं, ठीक है समझाते, ठीक कैसे करना है इंटीग्रेशन अगर करना डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ये या फिर एक दूसरा इंटीग्रेशन देखो डी एक्स अपॉन रूट थ्री कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये जो क्वेश्चन है वो इसी वाले मेथड से सॉल्व होंगे, ठीक है याद रखना। या फिर इसको ऐसे कर दो, ठीक है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस रूट थ्री साइन एक्स, याद रखना स्टूडेंट, ठीक है ये टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है वो हम जो पीछे अभी मेथड पढ़ा था, ठीक है थर्ड मेथड, ठीक है थर्ड टाइप उसी से करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो हम करते हैं, ठीक है सॉल्व, तो इंटीग्रेशन देखो डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो क्या करना हमने पीछे बताया था, ठीक है तो सबसे पहले इंटीग्रेशन, ठीक है डी एक्स अपॉन अंडर रूट में, ठीक है यहाँ पे
ए की वैल्यू 180 और बी की वैल्यू भी कितनी है 1, तो अंडर रूट में क्या लिखते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इससे हम गुणा भी कर देंगे और भाग भी कर देंगे, ठीक है, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। अब ये वाला देखो बाहर निकाल लेते, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते, देखो कितना आएगा, डी एक्स अपॉन ये आएगा रूट टू और ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में जाएगा रूट टू आ जाएगा, तो ये बाहर निकाल लेते, ठीक है, 1/√2 बाहर कर लेते हैं और डी एक्स अपॉन स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख देते हैं साइन एक्स इंटू 1/√2 डिवाइड कर देते हैं अलग अलग और 1 फिर लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे फिर लिखते हैं कॉस एक्स इंटू 1/√2 इसको ऐसे लिख देते, ठीक है। अब इसको थोड़ा सही से और करके लिख लेते हैं हम लोग, डी एक्स अपॉन कॉस पहले लिख लेते, ठीक है, कॉस एक्स इंटू 1/√2 प्लस साइन एक्स इंटू 1/√2 ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है, तो 1/√2 ये जगह देखो डी एक्स अपॉन, अब देखो ये किसकी वैल्यू होती थी, ये कॉस में कॉस 45 की, ठीक है, तो कॉस 5/4 लिख देंगे प्लस साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा साइन 5/4, ठीक है, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 5/4 45 की, तो 1/√2 अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, किसका बन गया, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ये हो जाएगा एक्स माइनस 5/4 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो कितना जाएगा, sec स्क्वायर, सॉरी sec नहीं होगा, sec स्क्वायर नहीं होगा, sec होगा, ठीक है, sec x माइनस 5/4 dx ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट देखो यहाँ पर तुम्हारी मर्जी होती है, यहाँ पे दो फॉर्मूले बन जाते हैं, या तो आप cos का बनाओ या फिर sin का बनाओ, ठीक है, अगर sin का आपको बनाना है, ठीक है, तो देखो कहाँ पे जैसे ये लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना cos 5/4 यहाँ पे, ठीक, क्या लिख देंगे, cos 5/4 यहाँ पे लिख देंगे हम sin 5/4, तो ये फॉर्मूला हमारा sin का बन जाएगा, ठीक है, और साइन का बन जाएगा तो साइन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगाना है तब भी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है, आपका आंसर हो सकता है मैच ना करे बट आंसर आपका सही होगा, या तो आप साइन का फॉर्मूला बनाएंगे या फिर कॉस का बनाएंगे, तो इनमें से किसी एक का फॉर्मूला बना लो आप, और ज़्यादातर देखो आंसर मिलाने के लिए आप लोग क्या करना है, ठीक है, कॉस का फॉर्मूला बनाना है आपको, ठीक है, जैसे हमने ये किया, ठीक है, कॉस का फॉर्मूला बनाना है, अब क्या करना, देखो इस टाइम देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते, ठीक है, जो हमने अभी पीछे फॉर्मूला बताया था, ठीक है, देखो पीछे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे log 10/4 प्लस एक्स बाई टू, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो इसको अगले पेज पे लिखते हैं 1/√2 log ये आ जाएगा, ठीक है, log 10/4 प्लस, ठीक है, एक्स बाई टू यहाँ पर, ठीक है, एक्स बाई टू ये इसका आधा कर दो, ठीक है, जो जो कोण लिखा है, ठीक है, जो एंगल है इसका आधा कर दो, ये जो कोण है एक्स माइनस 5/4 अपॉन में 2 और प्लस सी ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, मॉड यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/√2 log 10/4 माइनस सॉरी प्लस एक्स बाई टू माइनस के 5/8 और प्लस सी मॉड बंद कर दो, ठीक है, यहाँ पे, और इसको सॉल्व कर लेते, देखो 1/√2 log 10 इसको देखो सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, लासा ले लो, तो ये हमारे हिसाब से आएगा, देखो 5/8 आ जाएगा और प्लस एक्स बाई टू और प्लस सी ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, अब सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको लासा ले लेना आ जाएगा, तो इस तरह से सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है, याद रखना, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इस वाले मेथड से करना तो आपके आंसर मैच करेंगे, और अगर ये आप सेकंड टाइप से करोगे, ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा आपको, ठीक है, इसमें रूट उड़ा जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, वो आंसर भी नहीं मैच करेगा इतनी जल्दी। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो अगला टाइप देखते, ठीक है, टाइप नंबर है हमारे पास 4, टाइप नंबर 4, ठीक है, इंटीग्रेशन ए साइन एक्स प्लस के बी कॉस एक्स और डी एक्स अपॉन में सी साइन एक्स प्लस के डी कॉस एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखो ये टाइप 4 है तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए हमने को मानना पड़ता है हमें, ठीक है, मानना अंश को, ठीक है, अंश को क्या मानना है, ए साइन एक्स बी कॉस एक्स इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लैम्डा, ठीक है, ऐसे रखेंगे और नीचे वाला पोर्शन पूरा लिख दो, लैम्डा पूरा हर लिख देते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं स्टूडेंट, देखो फॉर्मूला हम बताते, ठीक है, इसको ऐसे ना लिखो, इसको हम फॉर्मूला लिख देते पहले। अंश बराबर लिखते हैं हम लोग, ठीक है, लैम्डा हर, ठीक है, प्लस म्यू, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ हर, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चनों में ऐसे करना है। तो अंश कितना है हमारे पास, देखो ए साइन एक्स प्लस के बी कॉस एक्स इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा हर लिख लेते, ठीक है, हर हमारे पास है सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस, ठीक है, फिर लिखेंगे म्यू, ये म्यू है स्टूडेंट, म्यू डी अपॉन डी एक्स ऑफ हर लिख देते, ठीक है, हर मतलब सी साइन एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा टी कॉस एक्स। और बताएंगे स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और फिर क्या करना, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को हम लोग इस वाले मान से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, मान रख देंगे यहाँ पे, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज में देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन देखो पहले, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है। ये यहाँ पे म्यू है स्टूडेंट, ठीक है, म्यू, तो क्वेश्चन नंबर देखो 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है क्वेश्चन देखो हमारे पास इंटीग्रेशन, ठीक है, टू साइन एक्स प्लस के थ्री कॉस एक्स, और अपॉन में लिखा है स्टूडेंट देखो थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स और डी एक्स, ये लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन। तो देखो चलो फॉर्मूला अप्लाई करते, ठीक है, अभी जो पीछे पढ़ा था हमने, आंसर इक्वल टू क्या पढ़ा था, लैम्डा, ठीक है, हर और प्लस, ठीक है, म्यू, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ हर, ये फॉर्मूला यूज कर लेते, ठीक है, चलो लिखते हैं, देखो टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, फिर हर लिख देते, तो थ्री साइन एक्स प्लस के फोर कॉस एक्स प्लस म्यू डी अपॉन डी एक्स ऑफ हर, हर दो कितना लिखा है हमारे पास थ्री साइन एक्स फोर कॉस एक्स, ठीक है, ये लिखा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो टू साइन एक्स प्लस के थ्री कॉस एक्स इक्वल टू, अंदर लैम्डा गुणा कर दो, थ्री लैम्डा साइन एक्स देखो फोर लैम्डा कॉस एक्स प्लस म्यू, इसका देखो डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे थ्री कॉस एक्स माइनस के फोर साइन एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट, तो टू साइन एक्स प्लस के थ्री कॉस एक्स इक्वल टू थ्री लैम्डा साइन एक्स प्लस के फोर लैम्डा कॉस एक्स प्लस, इसको देखो अंदर कर देते हैं थ्री म्यू कॉस एक्स और फोर म्यू साइन एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, इधर वाले जो जो है, ठीक है, साइन वाले एक साथ कर लेते, ठीक है, देखो साइन एक साथ कर लेते हैं, तो थ्री लैम्डा प्लस सॉरी माइनस का होगा, ठीक है, फोर म्यू, साइन एक्स कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से साइन कॉमन ले लो, ठीक है, और प्लस इसमें देखो फोर लैम्डा और प्लस के थ्री म्यू और यहाँ पे कॉस एक्स कॉमन ले लो, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, इसमें से देखो इसमें और इसमें कॉस कॉमन आ रहा था, कॉस कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो क्या करना है, दोनों तरफ साइन एक्स और कॉस एक्स की गुणांकों की तुलना करने पर गुणांकों की तुलना कर लेते, ठीक है, देखो तुलना करो कितना आएगा, इधर देखो साइन एक्स का गुणांक इधर ये लिखा, ठीक है, इधर देखो टू लिखा है, ऐसे देखो इधर कॉस एक्स गुणांक ये लिखा है, इधर थ्री लिखा है, तो तुलना कर लेते, ठीक है, इससे देखो समीकरण बनेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से पहला समीकरण बनेगा हमारे पास थ्री लैम्डा माइनस के फोर म्यू, तो स्टूडेंट देखो थ्री म्यू थ्री लैम्डा प्लस के फोर म्यू इक्वल टू हमारे पास कितना था टू आएगा, ठीक है, यहाँ पे टू लिख देते, और दूसरा समीकरण बनेगा हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये वाला देखो बनेगा कॉस एक्स वाला तो कर लेते, ठीक है, कॉस एक्स का कितना था फोर लैम्डा प्लस थ्री म्यू,
फोर लैम्डा प्लस थ्री म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, थ्री म्यू इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे कॉस एक्स का इधर कितना गुणांक है, इधर है थ्री, थ्री लिख लेते। ये दो समीकरण बने, ठीक है, इन दो समीकरणों को अब तुम्हें सॉल्व करना है। देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है, देखो लैम्डा और म्यू को मान निकल आएगा। तुम क्या करेंगे, ऊपर वाले में तीन से गुणा कर दो, ठीक है, नीचे वाले में चार से गुणा कर देते, ठीक है। तो देखो समीकरण बन जाएंगे हमारे पास, तो ऊपर से तीन से जब गुणा करेंगे तो नौ लैम्डा माइनस के बारह म्यू इस इक्वल टू कितना आ जाएगा, बारह म्यू इस इक्वल टू सिक्स। अब देखो यहाँ फोर का मल्टीप्लाई कर दो तो सोलह लैम्डा प्लस के बारह म्यू इस इक्वल टू बारह, इन्हें जोड़ दो, ठीक है, जोड़ने पर ये से कट जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा पच्चीस लैम्डा इस इक्वल टू यह आ जाएगा अठारह। तो यहाँ से देखो लैम्डा का मान निकल आएगा, ठीक है, लैम्डा का मान कितना आया, अठारह बटे पच्चीस आ गया। इसको देखो स्टूडेंट, देखो म्यू का मान निकाल लो, ठीक है, किसी एक में रख दो समीकरण, देखो ठीक है, किसी एक में रख दो, ठीक है, यहाँ से निकाल लेते थ्री म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री माइनस, ठीक है, फोर लैम्डा ये आ जाएगा। तो थ्री म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री माइनस, ठीक है, फोर, और लैम्डा वैल्यू रख दो अठारह बटे पच्चीस। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ जाएगा, थ्री म्यू इक्वल टू हो जाएगा पच्चीस थी या पचहत्तर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते पचहत्तर माइनस चौक बहत्तर, ठीक है, अपॉन में नीचे आ जाएगा पच्चीस। तो थ्री म्यू इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया कितना, ऊपर दो बचेगा हमारे पास थ्री बचेगा, थ्री अपॉन पच्चीस, थ्री थ्री कट जाएगा, ठीक है, म्यू इक्वल टू आ गया एक बटे पच्चीस आ गया। ये म्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है, और ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू वापस करेंगे हम लोग, ठीक है, पीछे देखो यहाँ पे वापस करना, ठीक है, इसको समीकरण एक डाल दो, इसको समीकरण दो डालना, ठीक है, इसको एक डालना है, याद रखना, ठीक है, समीकरण दो से देखो, समीकरण दो से दो इसको ना डालो स्टूडेंट, ठीक है, देखो यहाँ पर इसको समीकरण एक डालना, ठीक है, इसको दो डालना, ठीक है, इसको दो, बट इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेना, ठीक है, चलो मान रख देते हैं समीकरण दो से, समीकरण दो से हम लोग मान रखेंगे कितना था, टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, थ्री कॉस एक्स, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा का मान कितना है अट्ठारह बटे पच्चीस, ठीक है, और ये ऐसे रख देना, ठीक है, हर हर देखो हर को ऐसे रख देना, हर था हमारे पास थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स, ये था स्टूडेंट, ठीक है, और प्लस स्टूडेंट, ठीक है, देखो पीछे, ठीक है, यहाँ पे हमने मान रख दे, ठीक है, यहाँ पे आप देखो म्यू का मान रखते थे, म्यू का मान कितना एक बटे पच्चीस, ठीक है, और स्टूडेंट देखो इसका क्या करना, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है, इसका तो थ्री कॉस एक्स आ जाएगा माइनस के फोर साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इसमें वैसे इसमें मान रखा जाता है, बट यहाँ पे हमें लैम्डा कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, तुमने यही मान रख दिया, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना, तो फोर साइन एक्स आएगा, ठीक है, लास्ट में फोर साइन एक्स, ठीक है। आप क्या करना, ये जो मान है, ठीक है, ये स्टूडेंट, ठीक है, इसका जो मान आया, ये वाला जो मान है, ठीक है, हम वो उठा के देखो वापस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, समीकरण एक में यहाँ पे रख देंगे, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो और हम लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास अठारह बटे पच्चीस, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स, और प्लस के एक बटे पच्चीस, और यह आ जाएगा थ्री कॉस एक्स माइनस के फोर साइन एक्स, ये मान था, ठीक है, टोटल डी एक्स होल डी एक्स, और अपॉन में आएगा हमारे पास, अपॉन में आएगा देखो थ्री साइन एक्स प्लस के फोर कॉस एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसको क्या करना, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो अट्ठारह बटे पच्चीस, तो ये आएगा थ्री साइन एक्स प्लस के फोर कॉस एक्स अपॉन में थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स, एक बटे पच्चीस
थ्री कॉस एक्स माइनस के फोर साइन एक्स अपॉन में आएगा थ्री साइन एक्स प्लस के फोर कॉस एक्स और होल डी एक्स, ये आ जाएगा ट्वेंटी। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो 18 बटे 25 ये तो कट ही जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा तो डी एक्स आ जाएगा। एक बटे 25 बाहर कर लेते हैं, इसका आ जाएगा थ्री साइन एक्स माइनस के फोर कॉस एक्स अपॉन में आएगा हमारे पास थ्री साइन एक्स स्टूडेंट देखो ऊपर ये कलर लिख गया, ठीक है, यहाँ पर ये कलर लिख गया है, यहाँ पे था हमारे पास थ्री कॉस एक्स माइनस के फोर साइन एक्स, ठीक है, ये लिखा था ऊपर, नीचे था थ्री साइन एक्स प्लस के फोर कॉस एक्स और डी एक्स, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो 18 बटे 25 तो बाहर कर लेते, ठीक है, और डी एक्स लिख देते प्लस 1 बटे 25, ठीक है, और इसको देख लिख देते, देखो डी टी अपॉन टी लिख देते, ठीक है, बता रहे कैसे हम यहाँ पे मानेंगे, माना 3 साइन एक्स प्लस के 4 कॉस एक्स इक्वल टू टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो तो 3 कॉस एक्स माइनस के 4 साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अब देखो डी एक्स का इधर गुणा कर देते तो 3 कॉस एक्स माइनस के 4 साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। देखो तो ये टी टी, ये टी में चला जाएगा, ऊपर वाला किस में चला जाएगा, डी टी में। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 बटे 25 एक्स और 1 बटे 25 ये आ जाएगा लॉग टी प्लस सी। अब देखो टी की वैल्यू वापस कर देते, ठीक है, यहाँ पे तो ये आएगा हमारे पास 18 बटे 25 एक्स प्लस 1 बटे 25 लॉग। अब टी की वैल्यू वापस कर दो, ठीक है, टी हमने माना था किसको, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस सी, इसको माना था स्टूडेंट, ठीक है, देख लेते पीछे टी हमारे पास यही था, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना और प्लस सी। तो स्टूडेंट देखो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, एज प्रूफ, ये क्वेश्चन प्रूफ पूछा था, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट को सॉल्व करने थे क्वेश्चन, ठीक है, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे स्टूडेंट, ठीक है।